Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. सही था, बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, सारे सब एक्टर्स साथ में हैं। बहुत खुशी बात है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है। मेहनत सभी ने की है तो हमने भी की है। अब आप देख के बताएंगे कि ये जो हमने थोड़ा उलट फेर किया है देवदास के साथ, ये दास देव है। तो मैं ये पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फिल्म देवदास देखने आना चाहते हैं तो मत आइए, क्योंकि अगर आप वो कहानी देखना चाहेंगे तो वो मिलेगी नहीं, फिर आप डिसअपॉइंट होंगे। क्योंकि कुछ उल्टा ही है मामला, कि ये देव जो है वो दास है, फिर एक दास से देव की जर्नी है, एक रिवर्स मामला है। वो पारो आपको बंद नहीं दिखेगी, एक पीछे किसी कोठी के बड़े दरवाजों के पीछे वो कुछ अपनी ज़िंदगी को अपने अपनाएगी, वो देव के खिलाफ खड़ी होगी, उसको अपने लिए न्याय चाहिए होगा। वो चांदनी जो है, जो चंद्रमुखी है हमारी फिल्म की, वो कुछ अलग ही है। आज कौन देव जैसे लोग जो कुछ पॉलिटिकल और पावर से जो उनका कनेक्शन है, वो लोग ऐसी कौन सी औरत है जिसको वो पहचानने से इनकार करते हैं? वो जो उनका पैसा हैंडल करती है, वो जो थोड़ा फिक्सर है, आपको लुटियंस दिल्ली में और बहुत जगहों ऐसी बहुत सारी इनविजिबल सी लड़कियां दिखेंगी जिनको कोई कहता है कि मैं नहीं जानता। उसमें वो जो एक नुक्स है जो चंद्रमुखी में, कि वो देव से इश्क करती, वो है, पर वो उससे मतलब निराश होके, हताश होके कहीं डिसअपियर नहीं होगी, वो कुछ अपने लिए भी कुछ पाके जाएगी। वो सिर्फ तो द वेमेन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन और इन यू नो दे हैव एन इंडिपेंडेंट स्टोरी फ्रॉम द मैन, लेट्स से। सो अब ये कहानी है और फिर ये क्या कर रहे हैं फिल्म में, ये तो देवदास में है ही नहीं। तो फिर सौरभ शुक्ला जो हैं वो कहाँ से घूम के फिल्म में आते हैं, और सबके खिलाफ एक जो पावर रिप्रेजेंट होती है फिल्म की, वो क्या है, वो ये हैं। तो एक अलग सी कुछ कोशिश है, और देखिए आप फिर देख के बताइएगा कैसी लगी। नमस्ते, अपना कीमती वोट मुझे ही दे। हो सकता है सर ने बता ही दिया काफ़ी कुछ आपको। आई थिंक बहुत उलटफेर है, क्योंकि एक क्लासिक का अडेप्टेशन है, तो उसको कंटेम्प्रेरी कैसे बनाया जाए, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी मोटिवेशंस होनी चाहिए। वो आपको वैसे नहीं दिखेंगे दिया जला के रोती रह रही हैं, मतलब वो द वीमेन इन द फिल्म हैव एजेंसी विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जितनी भी हैं, जो देव की मदर का रोल भी कर रही हैं वो भी, मतलब हर किरदार में एक वट है, तो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसको देखना। और देव दास तो था ही, अब दास से देव कैसे बनते, ये जर्नी है फिल्म की। मज़ा आया फोटोशूट मुझे बहुत। एक्चुअली काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं जिनको फोटोशूट अच्छा नहीं लगता, बट मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, बट इट वॉज फन। Also, team achhi hai. I like working with Amit Asher, and it, you know, you're revisiting the film again. Apne character ko revisit karna maza aata hai. Sudhir sir bhi piche se kuch bolte rehte hain, apne character ke bare mein yaad rakho ye wo, to maza aata hai. But uske alawa mujhe actually Sudhir, maine pehli wo ye saali zindagi Sudhir sir ke saath ki thi, aur Sudhir sir ka jo dimag hai वो बहुत इंटरेस्टिंग दिमाग है, क्योंकि अगर इफ़ यू सी कि देवदास जो कहानी है, मैनी पीपल हैव मेड इट एंड मैनी पीपल हैव मेड इट ब्यूटिफुली, बट उन्होंने एफर्टलेसली जो एक बहुत पॉलिटिकल सिनारियो में इस कहानी को बेस किया है, उनके कैरेक्टर्स दे आर इंस्पायर्ड बाय द ओरिजिनल, बट उनकी एक खुद की एक कहानी है, और एक जैसे ऋचा ने कहा, ईच कैरेक्टर हैज़ एजेंसी, नो कैरेक्टर इज़ डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कैरेक्टर, सब अपनी डेस्टिनी, थोड़े से सेल्फिश हैं, ह्यूमन हैं, वल्नरेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, देर आर मल्टीपल लेयर्स हैपनिंग इन एवरी कैरेक्टर्स माइंड कॉन्स्टेंटली, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी अमेजिंग अबाउट सुधीर सर राइटिंग। और आप जब सुधीर सर का एक सीन पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं और आप इमेजिन करते हैं,
फिर जब आप सेट पे आते हैं वो उसको बस उल्टा देते हैं ऐसी तरह से कि आप ऐसे हिल जाते हैं कि अभी हुआ क्या ये. तो आई फाइंड दैट वेरी अमेजिंग. एंड चांदनी का कितना, इनफैक्ट मैंने सोचा कि ऑब्वियसली मैं तो बारो प्ले करूँगी, पर क्योंकि वो एक ऑब्वियस होता है अपने दिमाग में. जब सुधीर सर ने पहले मुझे बुलाया पर उन्होंने बोला नहीं, आई वॉन्ट यू टू प्ले दिस, एंड ही डज दैट. वो एक आपको कुछ और दे देते हैं विच इज़ मटीरियल दैट इज़ वेरी न्यू टू यू. एंड इस देवदास में आई फील ये इंटरेस्टिंग है कि चंद्रमुखी जो चांदनी उनका नाम है, वो कहानी उसके आइज के थ्रू बताई गई है क्योंकि वो एक आउटसाइडर है. देयर स्टोरी द होल पोलिटिकल सिनारियो, वो एक सिनारियो है ये लड़की बाहर से आके उसमें टपक जाती है एंड वॉट एंड इट देन इज थ्रू हर आइज शी इज सींग दिस एलियन पीपल. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग जस्ट एज अ स्टोरी ऑल्सो. ये स्कूप वाला क्वेश्चन मतलब नहीं नहीं इससे कौन नाराज होगा, मतलब अभी आप कहीं यकीन कर बैठे कि जो शरद बाबू ने कहानी लिखी थी वो कुछ एक्चुअल लोगों को लेके थी, तो फिर वो एक फिक्शन था और बहुत इंटरेस्टिंग फिक्शन था. मुझे देवदास की कहानी ओरिजिनल बुरी नहीं लगती, वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक आदमी है जो जिस क्योंकि उसकी वजह से उस औरत की वो पारो की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं. इफ़ यू विल नॉट हैव अ लाइफ देन आई विल ऑल्सो नॉट हैव अ लाइफ, सो दैट्स वाई ही इज़ अ मेटाफर. आप बोलते हो आशिक देवदास जैसा, ऐसा कुछ मेटाफर सा बन जाता है, बट आज के ज़माने में थोड़ा फ़र्क है और उस तरह का कैरेक्टर जो है हिंदी में कहते हैं ना लुंज पुंज सा, वो अट्रैक्टिव नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है और किसी के काम का नहीं है, है ना. तो कैसे आज के सिनेरियो में वो एक अपनी विरासत को ठुकराता है, क्या करता है, इश्क में भी करता है. सो आई मीन एक अंग्रेज़ी में हम सोचते हैं, पता नहीं टीवी पे ये बोल सकते हैं कि नहीं, लव इन द टाइम ऑफ बुलशिट, तो मालूम नहीं, बट एक आज के माहौल में क्या इश्क मुमकिन है क्या, जो फोर्सेस को ये सौरभ रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह के फोर्सेस के इर्द गिर्द क्या इश्क मुमकिन ही है. तो जिस तरह से थोड़ा ग्रेनेस हर आदमी में आएगी थोड़ी सी, वो इन सारे कैरेक्टर्स में है, देव में भी है, चांदनी में भी है, चंद्रमुखी में, पारो में भी है. और वो आप अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाए कि भाई मैंने पारो को ऐसा क्यों बना दिया, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ लेकिन ऐसी है ये पारो तो, और अलग है और खड़ी होती है खिलाफ यू नो देव के ये पॉइंट पे. मैंने कोई उलट फेर नहीं किया इसमें, मुझे सीधा सीधा समझ में आता है. मेरे हिसाब से सुधीर साहब यहीं बैठे हैं, वो चाहें तो मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, मुझे लगता नहीं मैं गलत हूँ. ये फिल्म जो है इट्स बेसिकली अ थ्रिलर, एक थ्रिलर है जिसके अंदर लस्ट है, जिसके अंदर सेक्सुअलिटी है पूरे ब्रवाडो के साथ, जिसके अंदर मौत है, जिंदगी है और प्यार है. ये सभी चीज़ें एक साथ जो है वो चल रही है. और जहाँ तक बात है कि हाँ देवदास से ये कहानी, ये देवदास का एक इंटरप्रिटेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये देवदास ही वही कहानी है, लेकिन देवदास की कहानी का एक नया इंटरप्रिटेशन है मॉडर्न टाइम्स में. और जिस तरीके की फिल्में सुधीर साहब बहुत अच्छी बनाते हैं, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में और कोई उस तरह की फिल्म नहीं बना पाता है और ना बनाई है. इससे पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई थी हज़ारों ख्वाहिशें, विच इज़ ट्रूली अ पॉलिटिकल फिल्म, वन ऑफ द रेयर पॉलिटिकल फिल्म्स कमिंग आउट ऑफ इंडिया. सो पॉलिटिक्स की जो इनको समझ है, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स, जो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स का इसमें बहुत बड़ा प्ले है. तो जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दिस फिल्म इज ऑल्सो अबाउट इंटॉक्सिकेशन. जैसे कि ओरिजिनल देवदास जो है उसमें इंटॉक्सिकेशन जो है वो काफ़ी बड़ा भाग है, तो इस फिल्म में भी इंटॉक्सिकेशन है, बट दिस इज अबाउट द मोस्ट लीथल इंटॉक्सिकेशन विच इज एब्सोल्यूटली लीगल, इज कॉल्ड पावर, इट्स दैट. सो और जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो साहब मैं उस इंटॉक्सिकेशन का धंधा करता हूँ which is absolutely lethal but absolutely legal. अब मैं क्या बोलूं सर, सब लोगों ने पूरी जानकारी आपको दे दी, बता दो कितनी तैयारी की तुमने वगैरह वगैरह. और सभी को
देखो ये तो सारे एक्टर बोलते हैं यार, मैंने तैयारी की, दो साल मैंने दारू पी और सुबह उठाई नहीं, मैं तो किसी गटर में पड़ा रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सब जो भी है, अगर हुआ भी होगा तो अब वो तो फ्राइडे को जब पिक्चर लगेगी तो पता चलेगा कितनी तैयारी की थी। तो मैं ये दर्शकों पर ही छोड़ना चाहता हूँ कि मेरी तैयारी अक्सर आखिरकार थी कितनी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पिक्चर का सवाल है तो इन्होंने ऑलरेडी सब बता चुके हैं कि ये फिल्म किस बारे में है, दास से देव तक की कहानी है, ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने तहे दिल से देव कुछ अपने ढंग से प्ले करने की कोशिश की है। मेरे से पहले भी ये किरदार बड़े उच्च किस्म के कलाकारों ने निभाया है और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैंने अपने खुद की तरफ से एक इंटरप्रिटेशन की है, अब देखते हैं कैसा लगेगा। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे हमारे कंधों पर आ जाएगी, ऐसा भी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम तो छोटे कलाकार हैं, हमने अपने तरीके से एक कोशिश की है, पूरी कोशिश की होगी। अब वो कितनी सफल रहेगी वो तो जनता ही बताएगी फ्राइडे के दिन, तो मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूँ। कैसे हैंडल करेंगे आप पारो? भाई इनको हैंडल करना मुश्किल है, बाय द वे तो बड़ी मुश्किल से हैंडल हमने इनको फिल्म में अच्छा हैंडल कर लिया। तो देव के पास तो हमेशा ही दो पारो चांदनी थी, तो मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश की है कि मैं अपना काम अच्छा करूं और खुद ब खुद सारी चीज़ें हैंडल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक दिग्गज डायरेक्टर है जिनके होते हुए मुझे ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश नहीं, मैं सिर्फ अपना काम अच्छे से करूं तो खुद हैंडल हो जाएंगी चीज़ें। दो मार्च रिलीज़ होगी। अब देखिए आप इतनी उधल पुधल वैसी ही है आपकी इंडस्ट्री में इस वक्त, कभी अब पद्मावती आएगी तो फिर पैडमैन आगे जाएगी, तो अब अयारी, अब उस दिन है पद्मावत जी, हाँ सॉरी माफ करें, प्लीज से इट अगेन, पद्मावत एंड यू नो इट्स वी विल नाउ कम ऑन द 2nd of March एंड होपफुली। आजकल मतलब थोड़ा सा हर फिल्म को एक हफ्ते का स्पेस मिले कम से कम, एक इंडिविजुअल जिस थिएटर्स में हम आए उधर शोज करेक मिले, तो फिल्म मस्ट गेट इट्स राइट चांस, सो आई थिंक द 2nd of March इज अ गुड डेट, विल कम ऑन दैट। तो कौन गंदे कपड़े पहन के फोटो शूट करता है? पारो इस फिल्म में जो है बहुत अलग है दोनों। पारो जो है वो एक सोशल वर्कर की तरह दिखाई गई है शुरुआत में, उसके पिताजी भी सोशल वर्क करते हैं। देवदास जो देव हैं वो एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, ये उस फैमिली के हेड हैं, हेड ऑफ द फैमिली। तो उनकी जर्नी फिल्म में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और जैसे एक पॉलिटिशियंस की भी एक कॉस्ट्यूम ही होती है वो, कि खादी की साड़ी और ब्लाउज वो सब भी देखने को मिलेगा। आई थिंक अलग अलग रंग रूप हैं हर कैरेक्टर के, उनके करियर के हिसाब से, मतलब जो फिल्म में उनकी जर्नी है उसके हिसाब से वो वैसा ये मतलब पहले ही मैंने बोला था ना, दिए वाली फिल्म नहीं है, तो कॉस्ट्यूम बहुत रियलिस्टिक है और जो जिसका किरदार है जैसा उस हिसाब से सबके। आई थिंक सबसे नया लुक तो उसमें सबसे ज़्यादा आप ही का है। तो हॉस्पिटल की कॉस्ट्यूम पे काफी काम किया। पावर की डिजीज से आप ग्रस्त हैं वो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एक हमेशा एक क्लासिक जिस जो कहानी इस देश का बच्चा जानता है उसको एक नया ट्विस्ट मिला है। वो अगर मैं दर्शक होती तो मैं ज़रूर देखने जाती कि एक नई अडेप्टेशन है, उसमें क्या नया देखने को मिलेगा, और इसमें हर किरदार में कुछ ना कुछ नया है। जो कॉन्टेक्स्ट है इसका वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें पॉलिटिक्स है, वो आप देखेंगे तो शायद, जब मैं शूट कर रही थी मुझे भी ऐसा लगा कि अच्छा दो लोग जो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते हैं रात पूरे दिन कैंपेनिंग करते हैं, तो सर ने मुझे बताया कभी कभी साथ में बैठ के रात को एक ड्रिंक भी पी लेते हैं, वो एक कैमराडरी एक है जो हमें कभी देखने को नहीं मिलती, शायद मीडिया को भी नहीं देखने को मिलती। तो इस तरह की जो टचेज हैं फिल्म में वो मेरे लिए एज एन ऑडियंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कहानी बाय इट्सेल्फ अगर किसी के पास देवदास का रेफरेंस भी ना हो तब भी बहुत ही रोचक और एक नई कहानी है बिल्कुल। तो मुझे एक्साइटमेंट है कि इस नए अडेप्टेशन को दर्शकों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए।
मैं एक्चुअली सुधीर सर की फ़ैन हूँ और उनकी एक बहुत डिस्टिंक्ट वॉइस है एंड ही हैज़ अ स्टाइल ऑफ टेलिंग अ स्टोरी एंड आई थिंक आई रियली लाइक व्हाट सौरभ सर सेड. दिस होल थिंग की इस कहानी का एक्चुअली यही है, इट्स अ स्टोरी अबाउट इंटॉक्सिकेशन, पावर, लव, लस्ट, एम्बिशन, ऑल ऑफ इट. और मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही नई दुनिया थी. सुधीर सर हमेशा ऐसे करते हैं, एक लड़की जो एक MBA ड्रॉप आउट है वो एक इस दुनिया में आ जाती है और एंड दैट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड आई डोंट नो, आई थिंक वो जो एक डिफरेंट लेयर्स पे सारे जो कैरेक्टर्स चलते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी फ्लॉड एंड इट्स वेरी इंटॉक्सिकेटिंग एक्चुअली जस्ट टू सी अबाउट इट. एंड यू नो आप देखते हैं कि अंडरग्राउंड जैसे काम होता है स्पेशली इन द होल पोलिटिकल स्फीयर, तो इट्स वेरी इट्स क्वाइट कूल एंड सुधीर सर रियली डज नो अ लॉट अबाउट इट. सो मैं ये कहूँगा कि आपने अभी तक देव से दास तक की कहानी सुनी है, अब दास से देव की कहानी देखिए, रिवर्स जर्नी है, मज़ा आएगा.